हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एकदम सस्ते माइक खरीद सकते हैं, मतलब जो कि बेस्ट क्वालिटी का। जब एक क्रिएटर जो होता है, नया क्रिएटर यूट्यूब पर आता है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि उसे खरीदना होता है ट्राईपॉड, एक माइक, उसके लिए कैमरा चाहिए होता है, या तो अपनी स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर लेता है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें आप नहीं खरीदोगे, ये सब चीज़ें आपके पास नहीं भी रहेगी, तो भी आप एक बेहतर तरीके से अच्छी क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना एक स्मार्टफोन चाहिए जहाँ से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं रहता है यार कि आप एक DSLR ही यूज़ करें, या फिर जो आप अपना मोबाइल का कैमरा जो यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप कम क्वालिटी में ही भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, क्वालिटी की नहीं। मतलब यहाँ ये ज़रूरी रहता है कि आप लोगों को क्या समझा रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं रहता कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। हालांकि अभी के टाइम में धीरे धीरे YouTube में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैं आज भी आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी ये रहता है कि आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं या क्या बताना चाहते हैं, और वो क्या समझ रहे हैं। तो यार, आपको सिर्फ एक स्मार्टफोन चाहिए, कैमरा किसी भी क्वालिटी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो होता है माइक। माइक के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो होता है लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। ये माइक आपको सिर्फ 200 रुपये में मिलेगा अभी के टाइम में। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है अगस्त 2020, तो इस टाइम आप मात्र 200 रुपये में इस माइक को परचेस कर सकते हैं, ओनली 200। लोग कहते हैं कि बुया M1 का माइक खरीदो, बुया M3 का माइक खरीदो, इससे क्या आता है साउंड साउंड की क्वालिटी जो होती है अच्छी आती है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्रिएटर जो स्टार्टिंग में आता है, बात यही रहती है कि आपको ये पता नहीं रहता कि आप कब तक यूट्यूब में काम करते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जोश तो बहुत रहता है। अब हो भी सकता है कि आप 10 वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब छोड़ दें, 20 वीडियो बनाने के बाद यूट्यूब छोड़ दें, और आप माइक खरीद रहे हैं बुया का, 1,000 का, 1,500 का, हुआ क्या, घाटे में चले गया। उसी की जगह आप 200 रुपए का माइक खरीदो। और ये जो होता है इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि आप इस माइक से जो होता है, जो माइक अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे आप 100 से 150 वीडियो आसानी से बना सकते हैं। जब आप 50 वीडियो बना लेते हो, उसके बाद क्या रहता है, आप एक आदत बन जाता है, एक हैबिट बन जाता है यूट्यूब पर काम करने के लिए। उसके बाद बिल्कुल आप 2,000 का, 3,000 का, 1,000 का, 1,500 का माइक खरीद लेना। लेकिन स्टार्टिंग में आपको ज़रूरत है चीपेस्ट माइक की, तो ये चीपेस्ट माइक है जो कि बिल्कुल भी डिलीवरी फ्री है, मतलब फ्री डिलीवरी आपको मिलेगा। इसके लिए किसी भी डिलीवरी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर लेना। ये जेनरिक का माइक है। और अभी मैं आपको जो होता है बोल बस रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि साउंड की क्वालिटी इसकी कैसी आती है बिना एडिट किए और एडिट करने के बाद। और मैं आपको जो होता है बता दूँ कि पहले मैं जो होता है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता था ईयरफोन से, तो मैं उसमें भी दिखा देता हूँ कि ईयरफोन में और एक माइक में क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, आप 100 का खरीदोगे ईयरफोन, उससे बेहतर यही है कि आप 200 रुपये का एक माइक खरीद लीजिए। क्योंकि बिना माइक के मैं ये बोलना चाहूँगा वीडियो मत बनाना यार, माइक ही एक बेस्ट तरीका है। आपके पास कुछ भी मत रहे, बस एक माइक जरूर होना चाहिए, और मैं आपको सिर्फ 200 रुपये में ही लेने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं वो मेरे क्या है, ईयरफोन के माइक का है। तो अभी जो होता है ये मैंने एडिट नहीं किया है, उस टाइम का साउंड है। आप सुन सकते हैं कि अभी जो होता है नॉइस कैसे आ रहा है, क्योंकि पीछे पत्ते भी हिल रहे हैं, अभी हवा चल रहा है, अभी दोपहर का टाइम है। तो आप सुन सकते हैं कि मैंने यहाँ लगाया है अपने ईयरफोन का माइक। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ जेनरिक का माइक, और अभी की जो ऑडियो क्वालिटी आपको मिलेगी वो मिलेगी बिना एडिटिंग के, बिल्कुल भी एडिटिंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है यार, और एडिटिंग वॉइस मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। तो अभी आप सुन सकते हैं मेरे ईयरफोन का है ये। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने माइक का। फ्रेंड्स, अभी जो आप सुन रहे हैं मेरी वॉइस वो है जेनरिक के माइक की। यहाँ आप देख सकते हैं कि मतलब नॉइज़ जो होता है बहुत ही कम है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ख़त्म ही हो गया है, लेकिन नॉइज़ जो होता है बहुत ही कम है, और ऑडियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब ईयरफोन में जिस टाइम मैं बोल रहा था उस टाइम उसमें बेस ज़्यादा था, बट इसमें जो होता है बेस कम रहता है, मतलब आपकी जो रियल वॉइस रहती है यार वो डायरेक्ट यहाँ आपको सुनाई देती है, जब आप वीडियो में बोलते हैं, जब आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उस टाइम के लिए। अब मैं आपको एडिटिंग ऑडियो सुनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप जो सुन रहे हैं वो ऑडियो जो होती है माइक की है, जो कि एडिटिंग ऑडियो। एडिटिंग में मैंने सिर्फ इतना किया है, मैंने नॉइस को हटाया है, नॉइस रिडक्शन किया, दूसरा चीज़ कंप्रेसर किया लेवल को ऊपर नीचे, और तीसरा मैंने नॉर्मलाइज किया, तीनों को एक ही लेवल में ला दिया हूँ। बस तीन ही एडिटिंग किया हूँ, इसमें एक्स्ट्रा बेस वगैरह कुछ भी नहीं डाला हूँ। तो आप माइक का सुन सकते हैं। अब मैं आपको ईयरफोन की सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, अभी आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो मेरी ईयरफोन की वॉइस है।
इसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी बेस इसमें है, इसमें बेस ज़्यादा है, इसमें ऑडियो की क्लियरिटी भी उतनी अच्छी नहीं आती, इसमें आपको जोर जोर से बोलने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि माइक जो रहता है उसमें आपको धीरे से बोलने की ज़रूरत रहती है। वो आप जब धीरे से बोलेंगे उस टाइम भी आपकी वॉइस को कैच कर लेता है, तो आप डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप डिफरेंस समझ ही गए होंगे कि किस तरह से जो होता है, एक अपने आपके जो ईयरफोन की जो माइक रहता है उसमें जब आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं तो कैसे अलग रहता है, और एक माइक में कैसे अलग रहता है। यहाँ से आपकी जो रियल वॉइस होती है सुनाई देती है। और आपको मैं बता दूँ कि ये जो जेनरिक का माइक है वो जो होता है 1 मीटर लंबा होता है इसका वायर। अभी भी आप देख सकते हैं कि जब मैं अभी बात कर रहा हूँ तो उस टाइम 1 मीटर अभी जो वायर है वो नीचे मतलब जो लटका है, अभी आप देख सकते हैं। और इसमें जो होता है आपको क्लिप मिल जाता है यार, अच्छे से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अच्छे से जो होता है क्लिप मिल जाता है, क्लिप फंसाने के लिए। इसको आप आसानी से अपने कपड़े में फंसा सकते हैं, कहीं भी एकदम बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहता। ये जो होता है अमेजोन से मैंने मंगाया था, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि आपको एक माइक की ज़रूरत कैसे पड़ती है। तो बिल्कुल यार माइक ले लेना, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बिल्कुल 200 रुपये में आपको खरीदना है, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और अगर आपको डिलीवरी चार्जेस दिखा रहा होगा तो अमेजोन में क्या रहता है, जब आप नीचे स्वाइप अप करते जाएंगे वहाँ आपको सेलर का ऑप्शन मिलता है, सेलर के ऑप्शन में आप जाके फिल्टर कर सकते हैं नो डिलीवरी चार्ज का। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ भी होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। भले ही आपके पास कुछ ना रहे, एक माइक बिल्कुल रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं यार अगले वीडियो पर। जय हिंद।